हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हेलो स्वाई माधुपुर, अभी मैं हूँ स्वाई माधुपुर विवेकानंदपुरम कॉलोनी में, मेरे मामा जी के घर पे रणथंबोर रोड। तो सुबह सुबह मेरे लिए चाय आ गई थी, वो पीली, नहा धो के रेडी हुआ हूँ और अभी नाश्ते में आया मेरे लिए चावल का पोया। आपने खा लिया? मैंने खा लिया। गुड मॉर्निंग कर लो। गुड मॉर्निंग। तो भैया अभी मेरे को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, जबरदस्ती भर्ती करवाने। आप देख सकते हो मैं हट्टा कट्टा अच्छा जवान लड़का हूँ, मेरे को कोई बीमारियां नहीं है, बट इसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ बीमारियां हैं। जैसे बीमारियां मतलब जैसे मेरे पैरों में जलन होती है, सिर दर्द करता है। तो भाई लेके जा रहा है हॉस्पिटल, भर्ती करवाएगा। कौन से हॉस्पिटल में हूँ मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, सीट बेल्ट हमने लगा ली और हम लोग अभी जा रहे हैं सेविका हॉस्पिटल, भैया के हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे दिखाना है मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी जाँचें वगैरह करानी है, क्या क्या जाँच करवानी है, वो आप ब्लॉग्स के थ्रू बने रहो। और नीतीश भैया का यूट्यूब चैनल मैंने नया ओपन कर दिया है, डॉक्टर नीतीश SWM, तो सब्सक्राइब करना चैनल को जाके। और आज मैं जैसे मैं हॉस्पिटल से फ्री होता हूँ, आप लोगों से भी मिलने की कोशिश करूँगा, एड्रेस बता दूंगा शाम तक। और क्या नाम से, अगर कोई अच्छी जगह घूमना हुआ हम लोगों का तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो आप लोग के साथ बने रहो। मैं आ गया सेविका हॉस्पिटल, क्या क्या जांच होती है वो बताएंगे। भैया बोल रहे हैं कि ब्लड रिपोर्ट करवा लेना, किडनी की करवा लेना, कैल्शियम करवा लेना और हेड ब्रेन सीटी स्कैन करवा लेना, जो भी होता है बता दूंगा मैं। यार बहुत, मेरा सिर बहुत दुखता है यार, गाड़ी के अंदर भी। तो भाई के साथ चल रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पे पर्ची कटवा रहा हूँ मैं, अब मैं आ गया इधर मेरे आधार कार्ड जमा करवाने, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने। तो भाई हम लोग कोल्ड ड्रिंक बिस्कुट का नाश्ता कर रहे हैं, मेरी जांच स्टार्ट हो जाएगी होना, तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ, पेट भर लेता हूँ खुद का। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल नीतीश भैया ने पकड़ रखा था और मेरी यहाँ पे हो रही है ब्रेन सीटी स्कैन। तो ये भैया मेरी ब्रेन सीटी स्कैन कर रहे हैं और मुझे अंदर अभी लेके जाएंगे, वो मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे। और मेरी जो ब्रेन में क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है उसके यहाँ पे सीटी स्कैन हो रही है। वैसे तो मेरी जांच नॉर्मल आई है लेकिन वो बोल रहा है कि सीटी स्कैन में कुछ चीज़ें नहीं आती है, हो सकता है तो जो वो प्रॉब्लम्स हो, इसलिए उसके मुझे ये दवाई दे देंगे। और अभी मैं वही शोर दे रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ मेरी निकल नहीं रही है क्योंकि मुझे जुकाम हो गई है। नमस्ते दोस्तों, आज मस्तराम को हमने भर्ती करा दिया, सीटी स्कैन करा दिया। सीटी स्कैन में जो भी फाइंडिंग आएगी वो देखेंगे हम लोग और सब जांचें देख कर आइए इसकी। अभी जांचें रिपोर्ट सब पेंडिंग है, सब देखेंगे और कुछ टाइम के लिए मेडिसिन दवाएं वगैरह देंगे, फिर इनको ट्रीटमेंट करेंगे और इसको जो रिलीफ मिलेगा उसके बाद ये बताएंगे कि कैसा रहा हॉस्पिटल में। सो गाइज, ये स्प्राइट की बोतल दे दी इन्होंने टाइपांस के लिए, पानी की बोतल दे दी और ये जा भी रहा है और इसने एक नया यूट्यूब चैनल ओपन भी कर लिया, तो मैं उसका फोटो दिखा देता हूँ। आपको क्या सर्च करना है, DR नीतीश स्वाई माधुपुर, एक वीडियो इसने अपलोड की है, अभी शॉर्ट्स हम दोनों की है। इसके बाद में अभी ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर देगा, अगर मेरे पास टाइम रहता है तो शायद हम दोनों ही फर्स्ट व्लॉग साथ में कर लेंगे, सही है ना? और अगर मैं साथ में नहीं रहा तो ये कुछ अलग दिखा देगा, कुछ अच्छा करेगा। हाँ ओके, तो चलो ठीक है, आप 5 बजे आओगे ना? 5 बजे ड्यूटी पर। तो गाइस जब मुझे 5 बजे तक अकेले को ही ब्लॉगिंग करना पड़ेगा, अकेले को ही टाइम पास करना पड़ेगा, टाइम स्प्राइट पी के छत से कूदूंगा मैं वो सलमान खान की तरह एड, सलमान खान का एड दे दियो। हाँ चलो ठीक है भैया, मिलते हैं। ओके मस्तराम हो ना आप? बिल्कुल मस्तराम भाई, बहुत देर से कंफ्यूज हो रहा था मैं, खड़ा खड़ा यार। सही बता रहा हूँ, तो आ जाता है। मैं तो जानता नहीं हूँ आपको, आप तो जानते हो मेरे को। जानता हूँ मैं आपको, पर बहुत देर से कंफ्यूज हो रहा था कि भाई बागडोली से हूँ भाई। कैसे? बढ़िया बढ़िया हूँ भाई। चलो यहाँ कैसे हॉस्पिटल में? यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गए थे रिश्तेदार का। अच्छा, क्या? मेरा भी सिर दर्द कर रहा था इसलिए मैं भी आया हूँ। अच्छा ठीक है भाई, मस्त मस्त कहते हैं, बढ़िया। कितनी तेज हो रखी है भाई। अरे यार भाई से मत कर। मैं आया ना, जब गाड़ी को यहाँ खड़े किया ना, जब से दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैं दिख गया था तेरे को उधर, वहाँ गाड़ी लगाया तुरंत आप दिख गए थे यहाँ, फिर आपने ब्लॉगिंग चालू की ना। बिल्कुल ठीक है, तो मैं जान गया भाई। आ जाना मिलने, आ जाना वोट में ना। ठीक है, कैसे हो भाई? बढ़िया। आप कहाँ से हो? मैं यासीन स्वाई बादवली गुड़ासी है पास में। सही है यार, यहाँ तो हॉस्पिटल में मेरे अच्छे सब्सक्राइब मिल रहे हैं, मुझे और भी मिल गए ऊपर भी। गाइज मुझे ये बेड मिला है वार्ड के अंदर, नीतीश भाई आ गए घर पे और अब मुझे अकेले को ही बेटा रहना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम पास करना पड़ेगा फ़ोन से ही। और अभी तो जाँच वाँच करने वाला कोई आया नहीं। वैसे मैंने हेड जो ब्रेन की जो जाँच होती है, सीटी स्कैन होता है, वो मैंने करवा लिया, अब देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है क्या नहीं आती।
तो जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। जब मेरे को हॉस्पिटल गए हुए कम से कम 8-10 साल हो गए होंगे, मैं तो जाता ही नहीं हूँ। जाता हूँ तो भी दूसरे का इलाज कराने जाता हूँ, खुद का नहीं जाता। बट मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था पैरों की जाँच कराऊँ, बट आज फाइनली मैं आया, क्योंकि यार ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी, 2-3 साल से प्रॉब्लम्स मेरे हो रही थी। और इधर सब्सक्राइबर भी मिल गए मेरे। हेलो, कहाँ से हो? गंभीरा से। सही है यार फिर तो। और उधर भी मेरे सब्सक्राइब बैठे हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो अच्छा लगा यहाँ पे आप सबसे मिलके। मेरे को भी अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि सब भाई जानते हैं, तो बातचीत करता रहूँगा, अकेलापन महसूस नहीं होगा मुझे। कैनुला लगा दो ना, कैनुला अरे दो ब्रिक हो गए। तो भाई इंजेक्शन लग रहे हैं मेरे तो यहाँ पे, कैनुला तो लगा दिया इन भाइयों ने, जांच के लिए सैंपल भी ले गए। दर्द कर रहा है, काफ़ी टाइम बाद में कैनुला लगवाया भाई। कितने लगेंगे आज? सारे दिन लगते रहेंगे क्या? वैसे एक बार लगेगा, फिर शाम को लगेगा ना। आज हमारे लोकप्रिय जो कि अंकिता मसराम गुजर के नाम से जो ब्लॉग बना हुआ है, मसराम भाई जो कि अपने रणथंभौर सैनिक अस्पताल में आए थे, उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी खुशी हुई उनसे मिलकर, और उनके वीडियो देखते काफ़ी अच्छा लगता है। इनके वीडियो देखकर हमें खुशी होती है, और जो ये खुश रहते हैं उनसे हमें उनका प्रसन्नता मिलती है। हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े, और इनको जो वीडियो है और फ्लॉवर्स है वो भी दिनों दिन बढ़ते रहे, और इनको नित्य नई सफलता मिले। भगवान इनको खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ दे। इनकी बच्ची है छोटी सी क्यूट सी, उनसे अभी मिले नहीं, कभी जाना होगा, खर्च चलाएंगे अभी नहीं। काफ़ी अच्छा लगा हमें, हम कभी दोनों जने जाके उनसे मिलेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू मिस्टर मैम, थैंक यू ब्रो। नमस्ते दोस्तों, फाइनली हॉस्पिटल के बाहर आया हूँ, पूरे 7-8 घंटे बाद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सुबह 10 बजे आया था। अभी कितना बज गया नीतीश भैया? अभी 6 बज चुके हैं। हाथ पे लगा हुआ है कैनुला, 2 बोतल तो मेरे चढ़ चुकी है फाइनली। अब थोड़ी देर बाहर इंजॉय करते हैं, बाहर की हवा भी अच्छी लग रही है थोड़ी। अंदर में तो पूरा बोर ही हो गया था, और सिर दुखने लग गया था भयंकर, क्योंकि मेरे जो जाँच हुई है उसमें बीमारी तो कुछ आई नहीं है, विटामिन की कमी है, इस वजह से मेरे पैर जलते हैं। और सिर दर्द इसलिए करता है क्योंकि मैं दिमाग बहुत ज़्यादा लगाता रहता हूँ, और सोचता बहुत हूँ, मोबाइल ज़्यादा चलाता हूँ, इस वजह से। ये मुझे पहले भी आइडिया था कि यही वजह निकलेगी, बट मैं करूँ तो क्या करूँ भाई, काम इतना है यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, शॉर्ट्स का, दिमाग को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम लेना होता है, तो ये दिमाग की मशीन है ना थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है मुझे ऐसा लग रहा है। इस हॉस्पिटल में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं पता था इतना प्यार यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी पूरा स्टाफ मुझे जानता है, यहाँ के लोकल जो पेशेंट है वो भी मुझे जानते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जो जो भाई मिले। भाई ये बताओ, जो मेरी सिटी स्कैन आपने करी थी, ठीक है? हाँ ना, हाँ, तो यार उसमें आया क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो कारण क्या है? कुछ नहीं आया, क्या हुआ, कैसे कैनुला लगा रखा है? अरे यार सर, मैं ये जबरदस्ती लेके आ गया, पकड़ के तू चल यार। जबरदस्ती तो कोई नहीं लगा। अरे यार मेरा सिर दर्द करता है, ठीक है, और पैरों में जलन होती है, तो मैंने सिटी स्कैन कराया, कुछ बीमारी आई नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं आई। कुछ होगा तो आएगा ना। अरे यार सीटी स्कैन नहीं करवाई तूने, रिफ्रेश क्या बोलता है वो? कब से दर्द है? एक बहुत टाइम से, 2 साल हो गया। 2 साल से? हाँ बिल्कुल, माइग्रेन है। माइग्रेन किसे कहते हैं? माइग्रेन उस पे सिटी में नहीं आता, सिटी में नहीं आता वो, उसके लिए दवा लेनी पड़ती है। होता है जो नसों बार बार दबती है ना ब्रेन की, उस वजह से। एक और प्रॉब्लम है नीतीश भैया मेरे को, जैसे मैं ऐसे क्लोट में लेके सो गया मेरे अपने आप को, तो यहाँ भी थोड़ा सा लगता है। ये हो जाती है? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड थोड़ा कम घूम रहेगा शरीर में, दौड़ाने की। यार दादा मैं ज्यादा भी नहीं, तुम्हें 25 साल दौड़ जाओ, 50 साल को दौड़ मरू यार भाई, फिर मार सर्जरी पढ़ने जाओगे यार, फिर टेंशन करता हूँ। बेटी हुई है, बेटी है ना? बेटी हुई है। सही है यार, इस हॉस्पिटल में थोड़ा मनसा लग रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे पेशेंट वो भी पहचान गए, और वहाँ पे जो भाई इंजेक्शन लगाने वो पहचान गए, तो हाल चाल बार बार पूछ रहे, तो मोटिवेशन मिल रहा है मेरे को अंदर से। सही है ना, ये आदमी ऐसा है कि 2 मिनट बैठ गया तो यार गर्मी लग रही है, मैं जा रहा हूँ देख लो भाई ये कैसा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो तुझे बाहर ले आया ना ठंड में? ये सही है, बाहर अलाउ नहीं करते आपको। हाँ अच्छा, तो भाई मेडिसिन लेने आ गए यहाँ पे। दोस्तों मैं अंदर आ गया वार्ड के अंदर, और यहाँ पे मेरी बोतल चढ़ रही है। उतने में मेरे से मिलने मेरे मामा का लड़का और मौसी का लड़का लेखराज भाई, अंकुर भाई आ गए, बहुत टाइम बाद में मिले, तेरे से तो मिलता रहता हूँ मैं, बट लेखराज भाई अपने कितने टाइम बाद में हुए,
2018 में, हाँ तो 2018 से आज 6 साल हो गए। सही है भाई, उस टाइम पे मिला था जिस टाइम पे मेरी कंडीशन खराब थी। सही है भाई, है ना, बिल्कुल। अच्छा लगा मेरे भाइयों से मिल गए। और कैसे हो आप, तबीयत पानी सब बढ़िया आपकी? सब बढ़िया यार भैया। लग रहा है भाई आपकी बहुत बढ़िया, धंधा पानी सही चल रहा है? बढ़िया। सही है भाई, आते नहीं हो यार आप तो मेरे घर पे? अब आएंगे यार, कब से आएंगे? पक्की बात? पक्का। अंकुर तेरा क्या है, शादी कब कर रहा है तू? शादी आप करो जो, सगाई करवा दूंगी तेरी, शादी कर लेंगे, सोशल मीडिया सगाई करवा दूंगी। हाँ भाई, हाँ भाई, ये भी सब्सक्राइब है हमारा, हेलो कर लो। हेलो, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। चलो सही है, शादी बहुत जल्दी करेंगे आप, लेकिन नसराम भाई आप देखो जयपुर के अंदर कोई हो तो। हाँ बात तो वही है, कहना तो तू यही चाहता है बेटा, जो तेरे से अभी है ना कोई कॉन्टेक्ट में, वो जाने वाली है ब्लॉग में अब, क्योंकि तू दूसरी ढूंढ रहा है, समझ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो तुम्हारी है ना वो मेरा ब्लॉग देखती है। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों, एक मेरे मौसी का लड़का और शामिल हो गया हमारे में, रोटी लेके आया हमारे लिए, और ये दोनों भाई तो जा रहे हैं क्योंकि इनका कारोबार है, बिजनेस मैन है भाई ये तो ट्रैक्टर वैक्टर संभालेंगे घर पे जाके। ठीक है भाई, आराम से जाइयो। ओके ब्रो, ना अरे यो काहे दबा दियो काका। खाना आ चुका है तो खाना खा लिया। अब ये मेरे मौसी का लड़का है, 4-5 मौसियां हैं, अभी एक मौसी का लड़का गया, अब एक आया है, तो खाना देके जा रहा है। थैंक यू भाई, फिर मिलते हैं कल डेरी पे। हाँ डॉक्टर सर, यार हाल चाल ऐसा है कि अभी मैं ठीक हूँ, मेरे पैरों में चल रहा है जलन, इसका ध्यान रखना स्पेशल। पहला डॉक्टर है जो मेरे टाइम पास के लिए मेरे पास आ जाता है मिलने में। राम राम दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मेरी ड्रिप चढ़ रही है, नींद आ गई थी पहले, फिर मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, अकेला ही था। तो गाइज, इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग अभी सुबह स्टार्ट करूँगा मैं, यहाँ से डिस्चार्ज ले लूँगा, आज 10-11 बजे तक मैं चला जाऊँगा। और अभी मैं हूँ अपेक्स सेविका हॉस्पिटल, ये इधर आलनपुर चौराहे की साइड में। और गाइज, आप सभी से हो सकता है मेरा नहीं मिलना हो, क्योंकि आज 22 तारीख है और मुझे आज प्रोग्राम में जाना है, क्योंकि वहाँ पे एज ए गेस्ट मुझे बुलाया था और मैंने हाँ कर रखी है, तो मेरा वहाँ पे जाना ज़रूरी है जयपुर चौमू के अंदर। सो प्लीज़, पता नहीं मिलना होगा नहीं होगा, मेरा घूमना भी नहीं होगा, क्योंकि मैं सोचा था घूमने जाऊँगा, बट 22 तारीख आ गई यार और मेरा ये सब चीज़ें होगा नहीं। और गाइज, आप हॉस्पिटल भी मत आना इस हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं 10 बजे के बाद में चला जाऊंगा, आज 22 तारीख है और मैं आज ही 10 बजे के बाद में यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। तो कोई भी भाई आना मत, क्योंकि आप आओगे फिर आप जाओगे वापस, मैं कहीं ना कहीं मिल लूँगा, हो सकता हूँ मैं आज इटावा बालाजी भी जाऊँ, तो इधर होके निकलूँगा मैं, तो जो जो मेरे नसीब में होगा उनसे मैं मिलूँगा, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप सभी से। तो अभी मैं ठीक हूँ, थोड़ी जुकाम से मेरे को हो गई है और अभी भी मेरे बोतल चढ़ रही है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कभी भी, जब भी अपना मिलना नसीब में लिखा होगा तब। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगती है। बाय गाइस।